हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बच्चों, हिस्ट्री चैप्टर 6 है हमारा, अभी ई रनिंग में है. इसका नेक्स्ट पॉइंट, एक गेटवे टू द वेस्ट सूरत, कि सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार. सूरत इन गुजरात वाज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलोंग विद द कम्बे प्रेजेंट डे खम्बात एंड समवेयर लेटर अहमदाबाद. इसमें बताया गया बच्चों कि सूरत मुगल काल में जो कैम्बे, जो कि आज खम्बात के नाम से जाना जाता है, और कुछ समय बाद अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का ये जो है वाणिज्य केंद्र बन गया था. एम्पोरियम, एम्पोरियम का मीन होता है बच्चों कि वह स्थान जहाँ पर कि अलग अलग जगह से जो उत्पादन केंद्रों से जो सामान आता है और जहाँ पर उसको बेचा और ख़रीदा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्पोरियम. यानी अलग अलग उत्पादन केंद्रों से सामान आता है और जिस स्थान पर उसको बेचा और ख़रीदा जाता है उसको एम्पोरियम बोलते हैं. सूरत वाज द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाय द गल्फ ऑफ ऑर्मज. जो सूरत था वो ऑर्मज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ साथ व्यापार करने के लिए जो है मुख्य द्वार था. और इसके साथ ही जो है सूरत हैज़ बीन कॉल्ड द गेट टू द मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप्स सेट फॉर सेल फ्रॉम हेयर. और ये इसको जो है मक्का तक जाने का जो है इसको जो मक्का तक जाने का जो है इसको वो प्रस्थान द्वार भी कहते थे. यहाँ से जाने का जो है यहीं से रास्ता होकर जाता था मक्का का, तो यहाँ से जो है बहुत बड़ी संख्या में जो यात्री हज के लिए भी जाया करते थे. द सिटी वाज कॉस्मोपोलिटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड ग्रेड. ये जो सिटी थी वो सर्वदेशीय नगर बन गया था, यानी कि यहाँ पर सभी धर्मों के और सभी जातियों के लोग रहने लगे थे. इन द 17th सेंचुरी द पोर्टुगीज, डच और इंग्लिश एंड देयर फैक्ट्री. यानी यहाँ पर जो 17वीं शताब्दी में जो है पुर्तगाली, डच और इंग्लिश लोग जो है यहाँ पर उन्होंने अपनी कंपनियाँ बना ली थी. अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकल, जो इंग्लिश क्रॉनिकल थे एक ओविंगटन, उन्होंने लिखा कि यहाँ पर जो है इस पोर्ट पर जो है 1689 में जो है सैकड़ों, मतलब एक साथ 100 जहाज खड़े हुए दिखाई देते थे. देर वर आल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप्स सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल. यहाँ पर जो है बहुत सी रिटेल और होलसेल शॉप्स थी कॉटन टेक्सटाइल के लिए, यानी सूती वस्त्रों के लिए बेचने खरीदने के लिए. द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड. जो यहाँ की टेक्सटाइल थी जो सूरत की, वो किसके लिए प्रसिद्ध थी, गोल्डलेस बॉर्डर के काम के लिए. एंड हेड मार्केट, और ये जो इसकी जो वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इसकी मार्केट भी थी. द स्टेट बिल्ट न्यू, जो इस स्टेट में जो है बहुत व्यापारी आने लगे थे और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो है वहाँ पर क्या बनाए जाने लगे थे, रेस्ट हाउस बनाए जाने लगे थे. और देयर वर बहुत बड़ी भव्य इमारतें भी बनाई जाने लगी थी और वहाँ पर प्लेजर पार्क भी बनाए जाने लगे थे. और जो काठियावाड़ के जो सेठ और महाजन थे बच्चों, उन्होंने जो है यहाँ पर सूरत में अपना बैंकिंग हाउस खोल लिया था बहुत बड़ी उसमें. और इट इज़ इस ये उल्लेखनीय है कि जो सूरत में जो हुंडीज़ क्या होती थी बच्चों, ये एक प्रकार का एक नोटिस होता था जिस पर रिकॉर्ड कर दिया जाता था कि कोई एक व्यक्ति द्वारा यहाँ पर इसमें जो है जमा कराई गई जो रकम दर्ज होती थी, वो हुंडी को किसी अन्य देश में जा करके वो उसमें जो है जमा की गई जो उसका जो पैसा होता था उसको वो प्राप्त कर सकता था. यानी एक ऐसा जैसे आजकल एटीएम है, एटीएम से द्वारा तुम कहीं भी जा करके बैंक से एटीएम में जाओ और पैसा निकालो, तो इसी तरह के वहाँ पर हुंडी नाम की ये एक नोट होता था, नोटिस जिस पर कागज़ होता था जिस पर कि लिखा रहता था कि जो व्यक्ति किसी से अगर किसी के पास अपना पैसा जमा कर देता है तो वो कहीं भी किसी और अन्य देश में जाकर उस हुंडी को दिखा करके वो माल यानी सामान वगैरह को खरीद सकता था. और जिसके जो है ये बहुत दूर दूर तक के बाजार में, जैसे इजिप्ट में कायरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प में जो है इसकी जो है मान्यता थी. इनके बाजारों में जो है उस हुंडी की जो है मान्यता थी. अभी हाउ एवर सूरत बिगेन टू डिक्लाइन टू आर्ट्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी. जैसे अब सूरत का जो है 17th सेंचुरी की शुरू, 17th जो सेंचुरी थी उसके एंड में जो है इसका जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया था. दिस वॉज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, इसके की बहुत कारण थे. द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिवली बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर,
यानी जो मुगल साम्राज्य के जो उनके पतन के कारण बाजारों में उनके पतन के कारण जो बाजार तथा जो उनकी उत्पादकता थी उसमें हानि होने लगी थी। कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय द पोर्टुगीज यानी पुर्तगालियों का जो है सी रूट पर उनका कंट्रोल हो गया था। एंड कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे यानी जो आज प्रेजेंट में मुंबई है उसके जो बम्बई में जो है कंपटीशन, जहाँ 1668 में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसने अपना जो है हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया था, जिसकी सूरत आज जो है सूरत एक बस्टलिंग कमर्शियल सेंटर यानी आज फिर सूरत जो है एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन चुका है। अभी फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स मसूलीपट्टनम यानी जो मसूलीपट्टनम में जो क्या क्या परेशानियां थी उसके बारे में बताया गया है इसमें। द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम लिटरली फिश पोर्ट टाउन ले ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। इन द 17th सेंचुरी इट वॉज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। 17वीं शताब्दी में ये जो है भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। बोथ ऑफ डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्ट टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम एज इट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्र कोस्ट। ये जो डच थे और जो इंग्लैंड डच और जो इंग्लिश थे ये जो है दोनों देशों की जो ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर अपना कंट्रोल करने को मतलब वो उस पर कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि ये जो आंध्र कोस्ट था यानी आंध्र तट था ये इसकी यहाँ के पोर्ट का महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट बन गया था। द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वाज बिल्ट बाय द डच। जो मसूलीपट्टनम का जो किला है वो डच लोगों ने बनवाया था। ए पुअर फिशर टाउन ये देखिए दिस इज अ डिस्क्रिप्शन और ये जो डिस्क्रिप्शन है वो एक मसूलीपट्टनम के बारे में बताया गया है जो कि विलियम मैथोल ने लिखा है। इसके बारे में बताया गया है कि ये जो है गोलकंडा का जो मुख्य पोर्ट था जहाँ पर जो वर्शिपफुल ईस्ट इंडिया कंपनी हैव देयर एजेंट यहाँ पर जो है जो वर्ष ईस्ट जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती थी। ये एक छोटा नगर है ये जो घना यहाँ पर बहुत ये छोटा नगर है यहाँ घना बसा हुआ है और बिना किसी चारदीवारी के और यहाँ पर जो है क्या है स्थिति सही स्थिति में नहीं बना हुआ था ये और यहाँ पर खारा पानी था ठीक है। और यहाँ पर जो है पहले गरीब मछुआरे नगर था यहाँ पर आगे चलकर यह जहाज़ों के मतलब ये जहाज यहाँ पर जो है पोर्ट बन गया है। पोर्ट बनने की वजह से फिर यहाँ पर जो व्यापार करने के लिए जो लोग आते जाते रहते थे तो उसकी वजह से जो है ये अब और ये उनकी जो है रुकने ठहरने का जो है इंतजाम किया करता था और उनके जो व्यापारी लोग यहाँ पर रहने लगे थे उनकी वजह से जो है यहाँ के जो तट पर जो लोग आते जाते थे उनके लिए उनकी ये जो रहने का उनकी व्यवस्था किया करता था। द कुतुबशाही रूलर्स ऑफ गोलकुंडा इम्पोज रॉयल मोनोपोलीज ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल्स स्पाइसेस एंड अदर आइटम्स टू प्रिवेंट द ट्रेड पासिंग कम्प्लीटली इन टू द हैंड्स ऑफ द वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनीज। तो गोलकुंडा के जो कुतुबशाही शासक थे उसने जो है कपड़े मसाले और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही अधिकार लागू कर दिया था उसने, जिससे कि वहाँ का जो व्यापार है वो पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए।